गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ रोहित कुमार फ्रॉम बांका बिहार। तो अभी हम मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी के बीच है ना सर के माध्यम से हमको आज बोलने का मौका मिला है कि जैसे कि सर बताए कि जितना भी टॉप सीनियर यहाँ पे काम करते हैं समारोह में मिल करके है ना सर लोग के साथ मिल करके, तो सभी को बारी बारी से यहाँ पे मौका मिलेगा बोलने का, तो हमको भी मौका मिला है। तो आइए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो हम स्पीच को शुरू करेंगे। उसको बोलने से पहले हम बताना चाहेंगे कि सिस्टम में जिस तरह से आज यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं, तो ठीक इसी तरह का आज से 4 साल पहले मुझे इस प्रोजेक्ट का सुनने समझने का मौका मिला था और सुने समझे बहुत ही अच्छा लगा था। और हम उस शख्स का नाम लेना जरूर चाहेंगे जो कि मुझे सिस्टम के बारे में बताया और इस सिस्टम में हमको ले करके आया है ना, क्योंकि शायद आज वो इंसान नहीं आते तो आज हम एक नॉर्मल एक सिंपल सा इंसान बन के, एक लड़का बन के है ना, तो गांव समाज में जो आज के होता है तो वही बन के हम रह जाते है ना। तो हम उस शख्स का नाम जरूर बताएंगे और वो कोई और नहीं, वो मेरे अपने बड़े सिस्टर मिस रीता जी के लिए हम जाएंगे। तो हम इस जगह पर नहीं होते, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिनका भी एडमिशन हुआ है ना, किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी के मैसेज मिलने से ही हम लोग यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है है ना। कहता हुआ यहाँ पे सिस्टम में लेकर के तो आए है ना, लेकिन सिस्टम में आने के बाद एक गुड गार्जियन मिला है ना, एक गुरु मिला, तभी जब इंसान अकेले जब चलता है ना, उनका जीवन में कोई डायरेक्शन और कोई एक्शन नहीं होता और कोई मंजिल नहीं होता उनका, वो कहाँ से चलने का शुरुआत करेगा और कहाँ वो जा करके रुकेगा ये उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन सिस्टम में आने के बाद है ना, यहाँ पे हम लोग को गुरु का सपोर्ट मिलता है, डायरेक्शन मिलता है ना। तो आज जिस शख्स के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जिनके डायरेक्शन में लगे काम कर रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, हम लोगों के यूथ एंड टाइकॉन लीडर मिस्टर पंकज सर। हम चाहे उसके जगह लो क्लास का फैमिली में जिस तरह से मेंटेन होता है उसी
तरह से मेरा एक मेंटल हुआ, उसी तरह से मेरा एक परवरिश शुरू हुआ कि एक गरीब परिवार में एक बच्चे का परवरिश कैसे होता है, ये आप सभी को मालूम होगा जो जो गरीब फैमिली से होंगे, है ना। तो बचपन की अगर हम बात करें, जब हम 2 से 3 साल के थे उस समय जब थोड़ा सा होश आया, होश आने के बाद मम्मी लोग क्या की, बगल में आंगनबाड़ी होता है ना, आंगनबाड़ी में प्राथमिक स्कूल में वहाँ पे हमको नाम लिखा दिया, ठीक है, तो वहाँ नाम लिखा दिया, तो वहाँ पे जाने लगे पढ़ाई करने के लिए, जाते थे स्लेट पेंसिल लेकर के, है ना, कॉपी कलम तो नहीं, स्लेट पेंसिल लेकर के, गुड इंग्लिश का किताब होता था वो लेकर के जाते थे पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो बचपन यूँ ही बचपन खेलते कूदते पढ़ते लिखते लड़ते झगड़ते इस तरह से बचपन गुजरते गया, है ना। तो वो दिन याद है जो 1 क्लास से फिर 2 क्लास में गए, 2 से फिर 3 में गए, 3 से फिर 4, 5, 6 इस तरीके से जब गुजरते चला गया, लेकिन एक चीज हम देख पाए थे जब चौथा पांचवा में जब गए, है ना, तो फिर धीरे धीरे फिर से उम्र बढ़ा, वैसे वैसे फिर धीरे धीरे माइंड विकसित होने लगा और धीरे धीरे दुनियादारी को समझने लगे कि आखिर गरीब फैमिली में इंसान का परवरिश कैसे होता है। और ये चीज को समझ के वो दिन हमको याद है जब हम उस समय जब स्कूल जाया करते थे, उस समय देखते थे कि जो ड्रेस हमको मिलता था वो ड्रेस 1.5 साल 2 साल तक उसको हम पहनते थे, है ना। आज वही ड्रेस पहन के क्या किया, स्कूल चले गए, है ना, एक झोला बना करके मम्मी से ला करके देती थी, उसी में किताब कॉपी स्लेट पेंसिल डाले, गुड इंग्लिश का किताब डाले, उसमें साथ में थाली भी डाल लिए क्योंकि स्कूल में दोपहर में खाना खाने को मिलता खिचड़ी, वो भी खाना है, है ना। तो वो ले करके जाते थे वहाँ स्कूल और स्कूल में जा करके अपना पढ़ाई करते थे, बचपन में जैसा सोच था उस हिसाब से अपना पढ़ाई करते थे। और स्कूल के बगल में एक पत्थर था, ठीक है, उस एक पत्थर था, छोटा मोटा पहाड़ का पत्थर था, उसी पत्थर में जा करके थोड़ा सा, है ना, 5 मिनट के बहाने 10 मिनट के बहाने, है ना, सर को मैडम को बोल करके 2 लड़का 3 लड़का मिलकर निकल के चले गए, है ना, और वहाँ जा करके उस पत्थर पे डेली जाकर ससरते थे, है ना। एकदम हकीकत बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, है ना। जो हम मेरा जैसे जन्म से लेकर के स्मार्ट होने में आने से पहले तक जो मेरा गुजरा वो चीज़ हकीकत बता रहे हैं। तो उस पत्थर में ससरते थे डेली जाकर, है ना। तो हम लोग देखे हैं कि जो जिस पत्थर पर जब कहीं से रोड कहाँ जाते हैं, है ना, तो वो दाग कैसे होता है पता है, उस दाग पे ये, लेकिन बात आ रहा था पैसे पे, है ना, बात आ रहा था पैसे पे, पैसा का उस समय बहुत ही दिक्कत था क्योंकि उसी समय लगभग 6-7 महीना पहले मेरी दादी एक्सपायर की हुई थी, है ना, आज से 4-5 साल पहले की बात है, मेरी दादी डेथ की हुई थी। तो उसी समय में हम क्या किए, जानकारी ली, हमको बात आ गया पैसे पे, पापा बोले कि पैसा अभी है नहीं तो बाहर चले जाओ, है ना, लेकिन फिर भी हम बोले कि मेरा बात करियर का है, भविष्य का है, क्योंकि अगर हम बाहर चले जाते हैं 8-10 हज़ार में नाम कमाएंगे लेकिन अपना कैरियर को नहीं बदल पाएंगे, है ना, सब दिन कमाते रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर मम्मी को बोले, मम्मी मामा से कुछ पैसा लिए, कुछ जेवर सब था, है ना, मटिया सब था, कुछ भी जो भी गहना जेवर था उसको बंधक रखे, और एक खस्सी था, है ना, तो खस्सी को भी बेच दिए। इस तरीके से करके मम्मी हमको, मेरा जो एडमिशन हुआ था तो तकरीबन हमको 8 दिन लगा था पैसा हमको जुगाड़ करने में, 8 दिन में हम 3 बार में हम पैसा दे करके अपना एडमिशन कराए थे उस समय, ठीक है, 4 साल पहले। तो इस तरीके से मेरे साथ मतलब घटना घटा जो कि इसके बाद हम सिस्टम में आए। तो जब हम सिस्टम में आए ना तो अजीब लगता था, है ना, यहाँ जब ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त हम करता था ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग सुन करके, क्योंकि ऐसा बात यहाँ ट्रेनिंग का बात आज तक कभी हमको सुनने का मौका नहीं मिला, ठीक है, और ना ही हमको कोई बोला, ना वो माहौल मिला, ना बताने वाला कोई मिला, ना ही हम कहीं देखे कैसा, है ना, गांव में समाज में जैसा होता है वैसे भी मेरा सोच था, है ना। तो यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग आने लगे तो सर बोले, रोहित तुमको ना ड्रेस को चेंज करना है। बोले सर ड्रेस क्या चेंज करेंगे, मेरा तो हाई स्कूल का ड्रेस है ही, है ना। बोले देखो ड्रेस तुमको चेंज करना है और तरीका भी तुमको चेंज करना है। बोले तरीका क्या चेंज करना है सर, पहले जीन्स और टी शर्ट पहनते थे और पैंट शर्ट अगर पहनते भी थे ना तो ऊपर करके यहाँ तक लेके आते थे, ठीक है, और सर अभी इन है ना, ये आउट रहता था, है ना, कॉलर में अंदर से रुमाल डाल लिए, कॉलर कभी खड़ा कर लिए, कभी क्या स्टाइल मारते रहते थे, है कि नहीं। तो मैंने वो सब आदत, है ना, और वो उस समय का विचार, है ना, वो तरीका बहुत अच्छा लगता था। तो हमको वो जो याद है जब दूसरा ट्रेनिंग हम गए तो फिर वही ड्रेस में, ठीक है, तो हमको सर एक ही बात बोले कि तुमको अगले बार से पूरा फुल ड्रेस में आना है,
पैंट शर्ट जूता मोजा टाई, ठीक है, ये सब तुम्हारा चेंज होता है तब तुमको अगला बार घुसने देंगे, ठीक है। तो ये बात जब हमको सर बोले ट्रेनिंग में, तो फिर शाम में घर आए और घर में मम्मी और दीदी को बोले कि देखो हमको साफ करवा लो, जो तो तुमने बोले कि साफ करेंगे, लेकिन हम ड्रेस पहनने में हमको बहुत खराब लगेगा, हम ड्रेस नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो उसी बीच में क्या हुआ था, दीदी सर को पैसा दे दिया था जूता लाने के लिए, हम घर में नहीं थे, है ना, तो जूता ला करके घर में पहुंचा दिया था, ठीक है। जूता जब घर में पहुंचा दिया तो नेक्स्ट जब ट्रेनिंग आया, ट्रेनिंग जब आया उसके एक दिन पहले हमको दीदी बोलती है कि तुम्हारा जूता हम खरीद दिए हैं, ऐसे तुमको कल जूता पहन के देना, बोले हम नहीं जाएंगे ट्रेनिंग में, एक ही बात बोले हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा दिन हुआ, फिर सर लोग का कॉल आया, कॉल आने के बाद फिर क्या हुआ, पूरा एकदम समझाया, पूरा एकदम अजीब लगता था कि पता नहीं ये ड्रेस पहन के हम जाएंगे तो लोग हमको क्या बोलेगा, तो हम क्या किए उस टाइम में, हकीकत बात बताते हैं, पहली बार जब हम जूता जब मिला हमको ना, वो जूता को हम बैग में डाल लिए, ठीक है, बैग में डाले और पैंट शर्ट तो खैर बनवा लिए थे, तो उसको पहने लेकिन उसको बाहर रखे थे, है ना, इन नहीं किए थे। इसके बाद साइकिल को जो उठाए, ठीक है, जब डाबे, है ना, घोड़ा घोड़ा था, बैग नहीं था, घोड़ा था, कपड़ा वाला घोड़ा था, उसको डाबे और इतना स्पीड से लेकर गाँव से निकले ना, ठीक है, इतना स्पीड से लेकर एक रंग एकदम साइकिल चलाते रहे, कहीं नहीं देखना, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे, बस यही देख करके निकलते गए। जब एक किलोमीटर गांव से जब बाहर गए ना, तब पता सांस लिया, कोई देखा तो हमको नहीं ना, क्योंकि नया नया ड्रेस पहन के निकले थे, ठीक है। तो फिर जाकर इस तरह से गए, फिर ट्रेनिंग हॉल का बाहर, वहां पहुंच के बाहर जाके तब जूता पहने, इसके बाद जूता पहने, फिर वहां ट्रेनिंग लिए, जब ट्रेनिंग लिए तो वहां अपनी ड्रेस कोड को लेकर वहां भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिया, तो कुछ कुछ माइंड सेट हुआ, ठीक है, कुछ कुछ माइंड सेट हुआ। इसके बाद फिर वहां से वापस अब शाम को आने लगे, तो रात हो गया था घर आने, तो थोड़ा सा हमको जान बचा था कि चलो तो कोई दिक्कत नहीं, रात हो गया, अंधेरा हो गया तो नहीं देखेगा, ठीक है, वो बात तो फिर से गुजर गया। अब बात आया फिर नेक्स्ट एक सप्ताह बाद ट्रेनिंग का, तो फिर ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छा लगता था हमको, ठीक है, तो ट्रेनिंग में जाना है, तो अब इस बार क्या करेंगे, इस बार तो पहनने वाले आ गया, इस बार क्या किया हमको एकदम, दीदी को घर में ही पहना दिया, जैसे हमको घर में पहना दिया, इस बार भी फिर एकदम उसी स्पीड के साथ जो कि जूता पैर में पहने हुए है ना, बहुत शर्म लग रहा है, उसी स्पीड के साथ हम क्या किया अपना साइकिल चलाए, फिर उस तरह से करके वो दिल को पार किए, है ना। तो ये मेरे साथ हकीकत में घटना हुआ। इसके बाद हर मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग को लेते थे 4 साल तक लगाता, है ना, कहीं भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करते थे, 50 रुपया देना हो, 100 रुपया देना हो, 200 रुपया देना हो, 500 रुपया देना हो, हर वक्त ट्रेनिंग का टिकट दे करके हर वक्त ट्रेनिंग में लिए। और ट्रेनिंग आज जगह पे खड़ा है तो ट्रेनिंग के बदौलत ही खड़ा है जो कि आज हम जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो मैं ट्रेनिंग को जाता है, क्योंकि स्मार्ट होने का ट्रेनिंग में इतना ही पावरफुल ट्रेनिंग होता है कि एक इंसान का माइंड को कैसे बैलेंस में रखा जाए, कैसे जीवन में आगे को बढ़ाया जाए, हर वो चीज को यहाँ से सीखने को मिलता है जो कि हमको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया, ठीक है। इसके बाद फिर इसी तरीके से अपने काम शुरू किए, काम करते चले गए, यकीन होता था, लोग मना बहुत तरह लोग करता था, है ना, जितना भी बैठे करते थे लोग बोलता था, लोग मना करता था, दोस्त लोग मना करता था, गार्जियन बोलते थे, रिलेशन का लोग बोलता था, है ना। जैसे अभी हम लोग फील्ड में काम करने जाते हैं प्रयत्न के लिए, आप सभी के पास साथ जो बीतता है ना, वो सब हमारे साथ हुआ, है ना, वो सब होते गया। बस एक ही चीज तो किए, खुद को अप टू डेट रखे, है ना, कभी भी ट्रेनिंग से मिस नहीं किए, लगातार ट्रेनिंग को लेते गए, ऊंच नीच ऊंच नीच कम ज्यादा होते गया, लेकिन लगातार अपना काम करते चले गए। और हम कसम खा लिए थे कि अगर हम मेरा घर आज अगर मिट्टी कपड़ा का है, हमको यहीं से अपना काम करके एक अच्छा सा घर बनाना है, और आज मेरे मेरा परिवार में, है ना, किसी के पास अगर बाइक नहीं है ना, हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हम अपना कम उम्र में, आज मेरा फैमिली की बात करा जाए, मेरा पूरा रिलेशन की बात किया जाए ना, सबसे कम उम्र में अगर कोई बाइक लिया होगा तो वो हम है, जो कि सबसे कम उम्र में पूरा जितना भी रिलेशन है, सबसे कम उम्र में पहला बाइक हम ही लिए थे और दूसरा भी बाइक हम ही लिए हैं, ठीक है। जो आज छोटे बाइक जो मेरे पास हो पाए सिस्टम के माध्यम से, है ना, तो वो बस पावर ऑफ सिस्टम, स्मार्ट हुए पावर ऑफ सीनियर सपोर्ट सिस्टम, है ना, उनके माध्यम से हो पाया। तो ये सब हुआ, फिर सपना बनाया, लैपटॉप बना, तो ये लैपटॉप हुआ, मोबाइल की बात करें कई सारा फोन हुआ, है ना। इसके बाद हर चीज जब और ट्रेनिंग लेते गए तो समझ में आते चला गया, और अपना विजन को क्लियर करते हुए काम करते चले गए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे, है ना। जीवन में कोई भी काम करेंगे उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाए,
हर समय आगे की ओर बढ़ते चले गए और आज इस जगह पर पहुंच पाया है। तो बस आप सभी से और हम बताना चाहेंगे अचीवमेंट के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ से लाख रुपए से भी अधिक का फोन यहाँ पे हो पाया ले पाए। इसके बाद 25,000 में अपना खुद का लैपटॉप ले पाए। पहला बाइक लिया था हम 50 प्लेटिना का जिनका कीमत था 58,000 रुपया। इसके बाद और एक अचीवमेंट मेरे जीवन में हो पाया है ना, जो हम एडमिशन के समय कमिटमेंट किए थे मम्मी से कि मम्मी आज हमको जैसे भी होता है एडमिशन करा के दो, हम पूरा है ना पूरा गरीबी को खत्म कर देंगे मिटा देंगे है ना। तुम्हें कमिटमेंट किए थे कि हम बहुत जल्द घर बनाएंगे, तो इसी सिस्टम में काम करके यहीं से अपना तकरीबन 6.5 लाख रुपये लगा करके गाँव में एक अच्छा सा घर नहीं बना पाए जो कि सिस्टम के माध्यम से हो पाया है ना। उसके बाद और ड्रीम बनाए, सेकेंड बाइक हुआ। घूमने फिरने की अगर बात करें, जब से स्मार्ट होलमा आए तब से घूम ही रहे हैं है ना, जब से स्मार्ट वैल्यू में आए तब से घूम ही रहे हैं। लोकल जगह बोलिए कहता है ना स्मार्ट वैल्यू, पहले जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना पहले घर घर घुमाता है ना, पहले घर घर घुमाता है, इसके बाद थोड़ा दिन के बाद गली गली घुमाता है, इसके बाद पंचायत पंचायत घुमाता है, इसके बाद प्रखंड प्रखंड घुमाता है, इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट घुमाता है, इसके बाद स्टेट स्टेट घुमाता है, इसके बाद कंट्री कंट्री घुमाता है ना। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्मार्ट वैल्यू से वो ट्रिप नहीं मिलता है, यहाँ पे हर वो ट्रिप मिलता है